उन सहित ग्राम रावीपुरा में 21 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया और जैन मंदिर स्थित दशहरा मैदान पर किए गए रावण दहन के पूर्व रामलीला चौक से रावण को नगर भ्रमण कराकर दशहरा स्थल तक ले जाया गया, जहां भव्य आतिशबाजी के बाद रावण का दहन किया गया, जिसके बाद श्री राम के एक तीर से अहंकारी रावण धू धू कर जल गया। ग्राम में मान्यता रही है कि रावण दहन के पश्चात दशहरा मैदान के समीप खेत से ज्वार के टोटे लाकर अपने घरों की छतों पर डालने की परंपरा रही है, जिसको लेकर किसान दामोदर कानूनगोर द्वारा अपने खेत के हिस्से में ज्वार बोई गई ताकि नागरिक इस परंपरा का निर्वहन कर सके। इसी तारतम्य में ग्राम रायबेटपुरा में भी रावण दहन कर झिलमिलाते पटाखों से आतिशबाजी की गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं, एक दूसरे को गले मिलकर दशहरे की बधाई भेंट की गई। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। हमारे विनायक श्री डीजल की ओर से दशहरे की हार्दिक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।